हार्ट बीट इज ऑन टॉप. मैं ये वाला करके देखती हूँ. ओके, होपिंग फॉर बेस्ट. हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. आई एम आरती एंड टुडेज वीडियो इज अगेन एक्सपेरिमेंटल वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू यूज मेशो का फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड टेम्पल मैंने यूज किया, उसकी भी वीडियो मैंने शूट की है. आई डोंट नो कब मैं उसको अपलोड करूंगी बिकॉज एडिटिंग मैंने नहीं की है. इवन आज इवनिंग में भी मुझे वीडियो शूट करना है, एक्सपीरियंस मुझे जो है शेयर करना है आपके साथ. एंड कल का जैसा जो एक्सपीरियंस रहा टेम्पल के साथ, इट वॉज रियली वेरी बैड. मैं काफी ज्यादा अनकम्फर्टेबल थी टेम्पल के साथ. तो गॉड, आई कांट टेल यू यार क्या क्या चीजें हुई थी कल मेरे साथ. मतलब इतना खराब लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था. ओके, तो कल की बात हो गई, निकल गया. बट उसी से रिलेट करते हुए आज मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज करने वाली हूँ. तो मैं नर्वस हूँ काफी ज्यादा और डरी हुई भी हूँ कि इसको मुझे इंसर्ट करना है. देखिए, टेम्पल जो था वो कुछ इस टाइप से था. ओके, साइज में आप देख सकते हो कितना ज्यादा अंतर है. ये इतना सा है और ये इतना बड़ा सा है. तो स्मॉल साइज ये जो है, इफ यू आर वंडरिंग विच मेंस्ट्रुअल कप आई एम गोइंग टू यूज इज फ्रॉम ब्रांड सिरोना, जो कि है ये वाला. मैं कोशिश करूंगी कि इसका रिव्यू लेके आऊंगी. तो अभी यूज तो कर लूँ, पहले रिव्यू तो बात की बात है. तो कुछ इस टाइप से आता है, इसको गोल ऐसे करके निकालना रहता है. एंड पोटली वगैरह सब नीचे रख हुई, इंस्ट्रक्शन वगैरह ना, अब वो सब मन नहीं है अभी दिखाने का. ओके, तो ये सबसे छोटा साइज है जो कि आप ये देख सकते हो कुछ इस टाइप से. एंड ये इसकी टेल है यहाँ पर, इसको पकड़ के खींचना होता है. एंड सबसे ज्यादा छोटा साइज यही है, देखने में तो छोटा यही है सबसे ज्यादा और है भी छोटा यही. बट ये मेरे लिए छोटा नहीं है, ये मेरे लिए ही बड़ा है. मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये कैसे जाएगा, सोचने वाली बात है. बट इनको फोल्ड वगैरह करके यूज करना होता है. तो चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, वो तो मैं भी करूंगी. एंड जितना ज्यादा हो सके मैं कोशिश करूंगी कि सारी चीजें आपके सामने दिखाऊं. एंड सबसे पहले करेंगे इसकी क्लीनिंग. ठीक है, ये मार्केट से आया है, बन के आया है, जैसा जो भी. तो अपने साइड से तो ये बनता है कि इसकी क्लीनिंग करें, सफाई करें. तो करना क्या है अपन को, इसको बॉईल करना है. ठीक है, तो चलो किचन में चलते हैं, जल्दी से जाके मैं इसको बॉईल कर लूँ. उसके बाद बाकी इंसर्ट भी करना बाकी है, तो फटाफट वो करूँ. ये मैंने रख दिया है पानी एंड मैंने डाला इसमें मेंस्ट्रुअल कप और 5 मिनट तक बॉईल हो जाएगा. उसके बाद जो है मैं इसको यूज करूंगी. तो मैंने इसको जो है बॉईल कर लिया है, क्लीन कर लिया है. बात आती है थोड़ा सा ड्राई क्लीन करने की, मीन सुखाने की बात आती है, जो कि जरूरी है. तो इसको अच्छे से मैं पोंछ लेती हूँ, नहीं तो गीला गीला ना बनेगा कि नहीं, स्लिप होगा, पता नहीं है वो. तो अब देखो यूज करने पे. इसमें ना छोटे छोटे से होल बने, एक इस साइड बनाए, एक इस साइड बनाए. ओके, सो नाउ आई एम डन. ये ऐसा एंड फोल्ड जो कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं मालूम है. एक तो ये सी फोल्ड होता है जो कि ऐसा है ना, तो ये ऐसे दबा के बीच से ये बन गया सी, ऐसे ना, यू कैन सी सी. ओके, एंड आफ्टर दैट ये जो है इसको पंच फोल्ड बोला जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा. दिख जाओ. ओके, मैं कौन सा ट्राई करूं, मैं पता है मैंने ज्यादातर यही देखा है सी, मुझे यही लग रहा है कि मुझे ये वाला यूज करना चाहिए. तो मैं ये वाला करके देखती हूँ. ओके, होपिंग फॉर बेस्ट. मैं अभी वॉशरूम गई थी, मैंने सैनिटरी पैड अभी रिमूव कर लिया है, मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट नहीं किया है. सैनिटरी पैड हटाने के बाद मैं आई हूँ पूरा एरिया क्लीन करने के बाद, ताकि इजी रहे. ऐसा तो नहीं करूंगी ना सैनिटरी पैड लगा हुआ है और फिर इंसर्ट करूं, नहीं. एंड वॉशरूम में मैं जाके नहीं कर रही हूँ इंसर्ट करना, मैं इधर ही पे सामने करूंगी. वॉशरूम में इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि मैं वहां पर ये स्टैंड रख के वीडियो रख के शूट कर पाऊं, और मेरी आवाज भी वहां पे गूंजेगी. तो मैं यहाँ पे फ्रंट में करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे करने वाली हूँ इसका सी फोल्ड. ठीक है, ना रूम में मेरे कोई भी नहीं है, अकेली हूँ, दैट्स व्हाई ये वीडियो शूट करी हूँ. बाकी सब कहीं ना कहीं गए हैं. ठीक है, ये भाई लोग तो वैसे भी मेरे बाहर ही रहते हैं, मम्मी जो हैं बाहर हैं, पापा काम पे. ओके, तो ये बार बार यही हो जाता है, दिक्कत होती है. ओके, यहाँ ये टॉप भी फिसलेगा. ओके, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे बताते हैं कि जो पैर है ना उसको फैलाना है. ठीक है, डोंट नो यार जाएगा कि नहीं जाएगा, आता पता नहीं है. दर्द अलग हो रहा है, ये इसमें तो ब्लडी लग गया है. होपिंग फॉर बेस्ट. हाँ
अरे बाप रे, बहुत ज्यादा दुख रहा है। मुझे लग रहा है मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, ये गंदा हो गया है। मैंने इसको कर लिया वापस से क्लीन, क्योंकि ब्लड लग गया था तो फिर वो मेरे हाथ में भी लग रहा था तो मुझसे बन नहीं रहा था। अगेन मैं सी फोल्ड कर रही हूँ, हार्ट बीट इज ऑन टॉप, पैर लग रहा है और फैलाना पड़ेगा, बन ही नहीं रहा है। वहां टेबल रखा हुआ है, आई गेस टेबल पे पैर रख के मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, मैं कब जाएगा ये। ओके विल ट्राई माय बेस्ट एंड बेस्ट। एक काम करती हूँ, मैं ना वहां से टेबल लेके आती हूँ। सर मैं ले आई हूँ टेबल उठा के, डोंट नो, ट्राई माय बेस्ट एंड बेस्ट एज आई सेड। ओके अगेन ये टेबल मेरी हिल रही है, आवाज कर रही है। आई डोंट नो यार, 7 से 8 बार तो मैं ट्राई कर ली हूँ। बहुत पेन हो रहा है गाइस, इट्स रियली पेनफुल। जा रहा है अंदर, जा रहा है। बीच में ही अटका हुआ है ये, इसको अंदर प्रेस करना पड़ेगा। इट्स रियली ओके, गया 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 अंदर। ओके फाइनली इट इज इनसाइड, बट ओके आवाज आई जो पॉप टाइप कुछ आती है। ओके तो यहाँ से जो यहाँ पे इसका जो टेल लटका हुआ है, मैं थोड़ा सा उसको खींच के देखूंगी। नहीं नीचे नहीं आ रहा है, गैस अच्छे से सेट हो गया है। ओके डन, नाउ आई एम वेयरिंग माई पैंट। फीलिंग एवरीथिंग फाइन, बट यू नो अलग से थोड़ा बहुत पेन सा हो रहा है। इतना तो वो नहीं लग रहा है कि कुछ है, बिकॉज आई गेस जहां पे मेंस्ट्रुअल कप कुछ इतना सेट होना था उतना वो हो गया है। पैर उठाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके लेट मी वॉक, फीलिंग फाइन राइट नाउ। इतना नहीं लग रहा है कुछ, मतलब फील नहीं हो रहा है कि मैंने कुछ लगाया है या ऐसा दर्द जो कि मैं टेम्पन में फील कर रही थी। एकदम सही लग रहा है फिलहाल, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लगाया है, बट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जो है वो अंदर ही से लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि कुछ अंदर है, तो जब वो चीज पता होती है तो इंसर्ट करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग। अभी जो थोड़ा बहुत जो पेन है ना, हल्का सा इंसर्ट करते जगह जो उस जगह पे हुआ था वो दे रहा है, अभी भी पेन वो हो रहा है। एंड डोंट नो कैसा क्या रहता है, कितनी देर तक मैं यूज करने वाली हूँ, बिकॉज टेम्पन जो है मैंने अराउंड 3 घंटे तक बस यूज किया था, मैं नहीं कर पा रही थी ज्यादा। और मैं शुरू कप को देखते कितने टाइम तक करती हूँ, बट आई एम लाइक फीलिंग कंफर्टेबल, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ लगा है, महसूस नहीं हो रहा है मेरे को, बट मुझे मालूम है कि हाँ अंदर कुछ है, बट ऐसे अलग से महसूस नहीं हो रहा है। आई हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज आई हैव टू यूज एक्चुअली सैनिटरी पैड, बिकॉज आई वॉन्ट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि मालूम नहीं है क्या होगा, क्या लीकेज वगैरह भी ना हो, कुछ अता पता कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मुझे डर ही लग रहा है, सो आई एम गोइंग टू यूज सैनिटरी पैड एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अपडेट एंड ऑल कि कैसा क्या लग रहा है। फिर मिलते हैं। यू नो गाइज आई एम रियली सेटिस्फाई विथ मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल कप काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। लिटरली में मुझे ध्यान भी नहीं रह रहा है कि दैट आई एम ऑन पीरियड, लिटरली में नहीं लग रहा है ऐसा। कहीं बस पेन होगा थोड़ा बहुत पेट में ना या पैर में, तब लगेगा। एंड वैसे भी मेरा सेकंड डे है, इतना ज्यादा पेन नहीं होता है, मुझे फर्स्ट डे कुछ ज्यादा होता है और उसी दिन मैंने टेम्पन यूज कर लिया था। वाह है ना, अभी काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूं मैं। तो मेंस्ट्रुअल कप जब मैंने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद मैं गई, मैंने गाना बजाया एंड थोड़ा बहुत मैं डांस भी की, तो
क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप में ऐसा था ना कि एक्टिविटीज सारे परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो डांस करते हैं। स्टार्टिंग में डांस करते टाइम थोड़ा बहुत डर लग रहा था, हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मेंस्ट्रुअल कप जो है बाहर निकल के गिर ना जाए, बट मैंने सैनिटरी पैड लगाया था। मन में बस ऐसे याद था कि कहीं मेंस्ट्रुअल कप ही ना निकल जाए, ऐसा लग रहा था। बट जब मेंस्ट्रुअल कप सेट हो गया तो कैसे निकलेगा, है ना? डोंट नो गाइज, फर्स्ट टाइम जब यूज करते तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं। एंड अभी ऐसा भी नहीं है कि टॉयलेट वगैरह लगी है, तो अभी तो वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की है मैंने कि कैसा क्या रहेगा, बट काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। सारी चीज एक्टिविटीज आप कर सकते हो नॉर्मल, जैसे चलना उठना बैठना लेटना सारी चीजें मैं एक्चुअली कर चुकी हूँ इतनी देर में। थोड़ी बहुत मेरे को लिखाई वगैरह स्टडी वगैरह भी करनी थी, तो वो चीज भी मैंने की। आई वॉज रियली कम्फर्टेबल एंड आई एम स्टिल रियली वेरी कम्फर्टेबल। तो बाकी और अपडेट देती हूँ कैसा क्या रहता है। ऑलमोस्ट ना 3.5 घंटे हो चुके हैं एंड रियली आई एम वेरी कम्फर्टेबल। एंड मैं जो है अभी टॉयलेट करने भी गई थी, तो टेम्पन के साथ जैसी मुझे फिक्र हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, वैसी कुछ भी नहीं हुई। टॉयलेट करते टाइम भी मेरा जो यूरिन है वो आराम से पास हो गया, ऐसा नहीं कि ब्रेक देते देते जैसा कि मेरा टेम्पन में हो रहा था, क्योंकि उस टाइम मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी, तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीजें नॉर्मली हो गई। एंड या काफी ज्यादा कंफर्टेबल है गाइस, मेंस्ट्रुअल कप काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। अब समझ में आ रहा है जो लोग बोलते थे मेंस्ट्रुअल कप स्विच करो कंफर्टेबल होता है काफी ज्यादा, अब समझ में आ रहा है लिटरली में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। स्टार्टिंग में ओपन नहीं होता है या खुलता नहीं है, ये वो वगैरह बहुत सारी इश्यूज लड़कियों को एक्चुअली फेस करनी पड़ती है इस चीज को लेके। मैं इन फ्यूचर में ये सारी वीडियोज भी बनाऊंगी ताकि गर्ल्स जो है इन फील्ड में ये सारी चीजें अगर मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वो सॉल्व कर पाए। आई विल ट्राई कि इस टाइप की मैं वीडियोस लेके आऊं। फिलहाल मेरी मेंस्ट्रुअल कप की ये वीडियो बना रही हूँ जो कि वो कंप्लीट तो हो जाए, एंड आधा घंटा और यूज करूंगी बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड उसको निकालने के लिए बाहर। लेट्स सी क्या होता है। अब बारी आती है रिमूव करने की लिटरली। ओह गॉड, मैं नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, अजीब सा भी लग रहा है। ओके लेट्स सी, ओके सबसे पहले जो टेल थी उसकी पीछे की जो पूछ थी, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले हमें वो पकड़नी है, ठीक है? उसको पकड़ेंगे फिर खींचेंगे। ये तो मिल ही नहीं रही है, टेल कहाँ गई? मेंस्ट्रुअल कप खो तो नहीं गया अंदर? ओह गॉड, मम्मी, माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। टेल मिली नहीं रही है इधर इधर, तो आगे एकदम टॉप पे थी टेल तो। गॉड, आई गेस, ओके ओके मिली, प्रेशर देना पड़ेगा मेरे को। ओके इसे पकड़ा नहीं जा रहा है, ये एकदम अंदर ही सा चला गया लग रहा है गाइस। You know what? I guess मुझे वॉशरूम में जाना पड़ेगा, मैं वहीं पे करूंगी, यहाँ सामने मुश्किल है करना। फाइनली गाइज, फाइनली मैंने इसको रिमूव कर लिया है, एंड मैं काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे इसकी पूछ नहीं मिल रही थी ये पीछे का, तो मैंने प्रेशर दिया, प्रेशर इस टाइप से ज्यादा ही जोर से मैंने प्रेशर दिया था ताकि ये बाहर मिल जाए। उसके बाद मुझे ये मिल गया था, एंड उसके बाद मैंने खींच के यहाँ पे थोड़ा प्रेस किया, एंड आफ्टर दैट मैंने इसको रिमूव किया। तो जब रिमूव करने के जो 2-3 सेकंड थे एकदम अजीब सा दर्द था, मींस फिर मैंने निकाल लिया। एंड मैंने जब रिमूव किया था तो मैं ये उम्मीद करी थी कि जब मैं रिमूव करूंगी तो मेरे हाथ में ये ऐसे आएगा कुछ इस टाइप से, बट जब मैंने उसको रिमूव किया तो वो ऐसे हो गया, तो जो पूरा ब्लड था ना वो नीचे गिर गया। मुझे लगा ना आराम से निकालूंगी एंड ये यस, मुझे लग रहा था ऐसे डालूंगी एंड देखूंगी ये आई गेस इतना था कहीं आधा तक, ठीक है? मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं ऐसे निकाल के ब्लड इसमें ऐसा होगा, मैं ऐसे देखूंगी एंड उसके बाद ऐसे गिरा दूंगी, बट हुआ ऐसे कि निकला वो ना, तो जैसे मैंने खींचा तो वो ऐसे ही निकला कि पूरा ब्लड ही नीचे गिर गया, एंड भर 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 बहुत ज्यादा ब्लड गिरा था क्योंकि आधा तक भरा हुआ था। एंड या एक्सपीरियंस कर लिया है कैसे क्या होता है, एंड लिटरली मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा था इंसर्ट करने में, एंड रिमूव करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पैर ना ऐसे ऐसे कांप रहे थे गाइज, आप वो चीज फील नहीं कर पाओगे, मैं वीडियो भले आपको बता रही हूँ बट मेरे पैर जब मैं इंसर्ट कर रही थी तो मेरे पैर कांप रहे थे, एंड साथ ही साथ वॉशरूम में जब रिमूव करने की बारी आई तो भी डर लग रहा था। ओके सो फाइनली मैंने कर लिया है, एंड लिटरली काफी ज्यादा सही चीज है, एक टाइम इन्वेस्ट करो एंड आप इसको 10 साल तक यूज कर सकते हो, एंड रियली कंफर्टेबल है, सारी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो, बार बार सैनिटरी पैड चेंज करने का झंझट नहीं है।
रियली सही है। तो अभी तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी, अभी जो है मैं पैड ही, सैनिटरी पैड ही यूज करूंगी, बिकॉज और भी जो पैड्स हैं वो कोलेबोरेशन के लिए आए हुए हैं तो मुझे उनको भी ट्राई करना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो एंड लिटरली काफी ज्यादा सही एक्सपीरियंस रहा मेरा मेंस्ट्रुअल कप के साथ। एंड या आप भी ट्राई कर सकते हो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम जाएगी बट हार मत मानना, कोशिश करते रहना, एक ही बार में सबका नहीं जाता है। मेरे ख्याल से कोई भी लड़की जिसने फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज किया होगा, फर्स्ट टाइम एक ही बार में कभी नहीं गया होगा, बहुत बार कोशिश करनी पड़ती है उसी के बाद जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।